हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं प्रॉन फ्राई यानी झींगा फ्राई रेसिपी। तो चलिए देखते हैं, जाते हैं रेसिपी में। यहाँ पे मैंने गैस जला के छोटा सा कढ़ाई रख दिया है, मस्टर्ड ऑयल डाल लिया है। अब इसमें डालूँगी जीरा। तो यहाँ पे मेरा जीरा जो है जल चुका है, तो एक मीडियम साइज अनियन बारीक कटा हुआ मैं डाल के अच्छे से फ्राई कर लूँगी। चलिए तो इसको थोड़ा ब्राउन होने तक फ्राई करते रहेंगे। और ये रहा यहाँ पे मेरा झींगा मछली, अच्छे से यहाँ पे क्लीन करके धो के रख लिया है। तो ये देखिए यहाँ पे अच्छे से साफ़ नहीं हुआ था, तो यहाँ पे मैं अच्छे से अभी साफ़ कर रही हूँ। यहाँ पे है मछली का अंडा, इसका पकौड़ी बनाते हैं। अगर मैं बनाऊँगी तो उसका भी आपको रेसिपी दिखाऊँगी। तो चलिए जल्दी जल्दी पहले मछली क्लीन कर लेते हैं, बहुत ही मेहनत लगता है इसमें। ये देखिए ये सब छिलका निकल रहा है। तो ये देखिए उस टाइम अच्छे से साफ़ नहीं हुआ था हमारे घर में ना। पहली बार मैं झींगा बना रही हूँ, ऐसे तो खाई हूँ लेकिन घर पे पहली बार बन रहा है। पापा अच्छे से मतलब नहीं आता था साफ़ करना, तो मैं अभी अच्छे से साफ़ कर चुकी हूँ। और ये देखिए कितना कम हो गया है। और यहाँ पर अनियन फ्राई हो चुका है, तो हल्का फुल्का मसाला इसमें ऐड करूँगी मैं। तो यहाँ पे ये रहा अदरक लहसुन का पेस्ट, तो थोड़ा सा ऐड करेंगे इसमें। क्वांटिटी कम ही है मछली का, तो थोड़ा सा ही मैंने ऐड किया है। और अब साथ ही साथ मैं इसमें ऐड कर दूँगी थोड़ा सा हल्दी, हाफ टेबल स्पून, छोटा वाला टेबल स्पून है। और यहाँ पे जो मिक्स सब्जी मसाला है वो एक टेबल स्पून डालूँगी, अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और अब नमक डालूँगी इसमें, तो नमक तो है वो स्वाद हिसाब से ही जाएगा। तो मेरा जो मछली है उसके हिसाब से मैं इतना नमक डाल रही हूँ, क्योंकि मैं फ्राई ही करूँगी, करी नहीं बनाऊँगी। आज हमारे घर दो मछली आ गया है, इसीलिए इसका ग्रेवी बनेगा और इसको मैं सिर्फ फ्राई करूँगी। चलिए अब इसमें एक टमाटर डालूँगी। चलिए एक मीडियम साइज़ टमाटर बारीक काट लिया है मैंने, ऐड कर दूंगी और अच्छे से इसको मिक्स कर दूंगी। और हल्का सा पानी डाल दूंगी। चलिए हल्का सा पानी डाल के अच्छे से फ्राई कर लूंगी। चलिए यहाँ पे फिश करी नहीं है, तो ये देखिए मीट मसाला गरम मसाला है, तो हल्का सा ऐड करूँगी क्योंकि ये मसाला बहुत ज़्यादा तीखा है, मुझे तो तीखा लग रहा है। तो ये हल्का सा मैंने डाल दिया, इसको भी थोड़ा सा फ्राई करूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे प्रॉन फ्राई जो है पक रहा है, तब तक के लिए मैं ढक के छोड़ देती हूँ, थोड़ी देर बाद चेक करते रहेंगे। तो ये देखिए हमारा प्रॉन फ्राई जो है रेडी हो ही चुका है, और थोड़ा सा पका लूँगी मैं ताकि अंदर से कच्चा ना रहे। और इतना अच्छा खुशबू आ रहा है इसका, बहुत ही अच्छा स्मेल आ रहा है। मैं फ़र्स्ट टाइम मतलब बना रही हूँ, ऐसे तो बाहर का खाई हूँ लेकिन घर पे फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। बहुत ही अच्छा स्मेल आ रहा है इसका, चिकन वगैरह जैसा ही, इसका फिश जैसा नहीं लग रहा है। लेकिन बहुत ही मेहनत है ये साफ़ ऑफ करके बनाने पर। तो चलिए थोड़ा देर और पका लेते हैं। तो चलिए हमारा प्रॉन फ्राई बिल्कुल रेडी हो चुका है, अभी मैं फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना, इधर से दिखाती हूँ, ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो फ्लेम मैं ऑफ कर दूँगी। चलिए और अभी मैंने फ्रिज में चेक किया, लेकिन हमारे घर पे धनिया पत्ता जो है ख़त्म हो गया है, और आज पापा सब्जी ले आने गए थे तो लाए भी नहीं हैं। चलिए आप लोग के पास होगा तो धनिया पत्ता डाल के गार्निश कर लीजिएगा। इस ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। कमेंट करके बताइएगा कोई रेसिपी वगैरह आप लोगों को पसंद आया हो बना के आप लोगों ने देखा हो, या कोई रेसिपी आप लोगों को चाहिए होगा तो। एंड प्लीज़ 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 बहुत सारा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब लाइक भर भर के प्यार दीजिएगा, ताकि मतलब नेक्स्ट वीडियो बनाने में डालने में इंटरेस्टेड रहूँ मैं, क्योंकि हमेशा डालते रहो व्यूज़ वगैरह नहीं आता है ना, तो थोड़ा सा मूड ऑफ हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है कि इतना सारा मेहनत के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। चलिए थैंक यू।